हुई है 34-2, मतलब लगभग 28-15 से जो अधिक आता है उसमें जो वृद्धि हुई है उसकी संख्या से मारपीट में कमी, चाकूबाजी में कमी, दुर्घटना में कमी है, छेड़छाड़ बलात्कार में कमी है। तो ये बहुत एग्जैक्ट नहीं बोलते, फिर भी आप टेंटेटिव देखेंगे तो जो नशे पे कार्रवाई करने से अपराध में कमी दिखती है उसका छोटा सा एक आंकड़ा बना के दिए थे जिसमें देखेंगे। अवैध शराब के लगभग पिछले 5 महीने में 389 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं, 2200 लीटर लगभग शराब पकड़े हैं, 12 लाख रुपये से अधिक कीमत की शराब पकड़ाई है। वैसे ही नारकोटिक्स में लगभग 170 किलो गांजा पकड़ाया है। पुलिस द्वारा लगातार जो है नशे पर लगाम लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में पिछले 5 महीने में लगभग शराब के 379 प्रकरण में 389 आरोपी को गिरफ्तार करके 2200 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई है जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। इसी प्रकार गांजे पे कार्रवाई की गई है, गांजे में लगभग 170 किलो गांजा जब्त किया गया है और जुआ और सट्टे पे भी कार्रवाई की गई है जिसमें जुए पे लगभग 61 आरोपी और सट्टे पे लगभग 52 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शराब या नशे पे कार्रवाई करने से कुछ अपराधों के में भी कमी आई है जिसका आंकड़ा एक पेश किया गया है। पिछले 5 महीने में आबकारी के 34-1 के मामले में लगभग 203%, आबकारी 34-2 में लगभग 61%, मारपीट में जो वृद्धि हुई है इसमें 34-2 और 34-1 में। इसी प्रकार नशे पर कार्रवाई करने से जो अपराधों में कमी आई है उसकी एक जानकारी छोटी सी है। मारपीट के मामले 294, 323, 506 IPC में 6% की कमी, चाकूबाजी में लगभग 45% की कमी, हाफ मर्डर या हत्या का प्रयास में लगभग 82% की कमी, हत्या में 17% की कमी, सड़क दुर्घटना जो कि अमूमन हमेशा वृद्धि होती है उसमें 16% की कमी, छेड़छाड़ के मामलों में 22% की कमी, 376 या बलात्कार के मामलों में लगभग 53% की कमी हुई है, जो एक सकारात्मक आंकड़ा है। और आगे भी इस प्रकार नशे पर जो है कार्रवाई पुलिस की जारी रहेगी।